सबसे पहले तो इस भरतपुर विधानसभा में उनका माननीय मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। आज ये जो समीक्षा बैठक थी इसमें हम लोग भी उपस्थित थे। मैं मनरेगा के जब लेके समीक्षा बैठक हो रही थी तो मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जिस तरह से जब हमारा 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की जब हमारी सरकार थी, तो बजट हमारा ज़्यादा आता था, लेकिन लगातार जब देखेंगे जब से रमन सिंह की सरकार थी, जब हमारा यूपीए की गवर्नमेंट थी, ज़्यादा हमको आवंटन मिलता था। लेकिन लगातार आप देखेंगे जब से छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, मानक दिवस जो होता है उसमें लगातार गिरावट आया है। इस बार 700 के करीब का आ गया है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी से मैंने कहा तो वो दिल्ली से बात की, यहाँ से बात की, फिर हमारा जो जो हमारा राज का जो आंकड़ा है जो इन्होंने आंकड़ा दिया, दोनों भिन्न भिन्न थे। तो माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि ये जो हमारा आंकड़ा है जो विधानसभा में आया था और मुझे जो जानकारी मिली गई है, राज्य सरकार से जानकारी दी गई है, तो इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली में बात करेंगे। मैंने सवाल किया है कि लगातार आज हमारे नए जिले की बात करें, कोरिया जिले की बात करें, 18 करोड़ की कमी आई है, तो इसलिए मनरेगा जैसे चीज़ों में भारत सरकार कटौती कर रहा है। तो इसलिए हमने मंत्री जी से जानना चाहा, पर मंत्री जी से संतुष्ट मैं जानकारी से नहीं हुआ हूँ।